सब लोग तो करना चाहिए। बच्चे बच्चे जा रहे हैं, बच्चे टाइम और मैं जा रहे हैं और मैं बिल्कुल ये पौधा रोपूंगा। भाई पानी वगैरह लगाइए और मिट्टी लाइए। तुलसी का पेड़ इधर आ, तुलसी का पेड़ आगे आ जाओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या करके खलील हायर सेकेंडरी स्कूल परिवार की ओर से, हमारे नागरिक सुरक्षा संगठन परिवार की ओर से संयुक्त रूप से आज वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया गया है। इस वृक्षारोपण में हमारे विद्यालय के लगभग 250 छात्रों ने भी भाग लिया है और सबको छात्रों को इस प्रकार से जागरूक किया है कि वो प्रत्येक बच्चा अपने घर पर जाके अपने माता पिता को भी प्रोत्साहित करे कि इसी प्रकार से हमारे देश में पौधे लगें और वातावरण शुद्ध हो। जब पेड़ों को हम खूब अच्छी तरीके से रखवाली कर लेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य सही होगा। इसी संकल्प के साथ आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। राजीव शर्मा, शर्मा जी आज क्या कार्यक्रम है? आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और ये खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ के प्रिंसिपल साहिबान ने और हमारे जितने भी सिविल डिफेंस के पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से यहाँ ये वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपने सिविल डिफेंस परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं और साथ साथ इस बात का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज आयोजित किया, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 22 करोड़ पौधे एक दिन में लगने चाहिए, यानी एक एक पौधा भी एक व्यक्ति लगाएगा तो 22 करोड़ पौधे लगने के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति और बहुत बढ़िया पोजिशन हो जाएगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अशोक गौतम, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस जी, बताएं सर। आज राज्य सरकार के अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत ही हम स्वेच्छा से खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे और कोशिश करेंगे इस विद्यालय को हरा भरा करें ताकि पर्यावरण में सुरक्षा में और उनके पर्यावरण को बनाए रखने में हम जो सहयोग कर सकते हैं बच्चों के साथ उसे करें। कार्यक्रम है आज मेरे विद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जो नारी सुरक्षा के प्रति है और ये संदेश मैं पूरे भारत में देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के जो सपने हैं वो हम इसके जरिए साकार कर सकते हैं और प्रदूषण जो हमारे देश के अंदर फैला हुआ है और जो एक सोच है उस गंदगी को दूर करने के लिए आज वृक्षारोपण हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है और मैं पूरे हिंदुस्तान से उम्मीद करता हूँ और सारे स्कूलों के प्रधानाचार्य से उम्मीद करता हूँ और बच्चों से शिक्षकों से उम्मीद करता हूँ कि आज स्वअवसर पर वृक्ष लगाकर के अपने अपने देश की जलवायु को शुद्ध करेंगे। ये मेरा संदेश है।